तारिका जा रही है। ये सच में बहुत खुशी की बात है। तो मुझे दुख है कि आज के बाद इस घर में तड़का नहीं लगेगा। हेलो 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 हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज है फ्राइडे और मेरा है ऑफ। मेरे पापा जी आए हुए हैं गाज़ियाबाद में, तो मैं जा रही हूँ घर आज। तो अभी दोपहर में निकलूँगी, मतलब दोपहर में 12-1 बजे, और फिर 2-1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगी। पिछली बार जब मैं करवा चौथ पे गई थी तो पापा से मैं 15 मिनट के लिए मिल पाई थी, तो मिल ही नहीं पाई थी। पापा मेरे हर 2 महीने, 2.5 महीने, कई बार 3 महीने भी हो जाते हैं, उनको आना पड़ता है डॉक्टर को दिखाने के लिए। वो गाँव में रहते हैं अब, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 1-2 दिन के लिए, तो मैं 1-2 दिन के लिए चली जाती हूँ। तो इस बार मैं जा रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ 3-4 दिन, जब तक वह है 3 दिन 2 दिन 4 दिन, तो मैं रह के आ जाऊँ। तो देखते हैं बाकी जैसा होता है पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि लेट्स सी। और आज ये लोग रहेंगे घर पे, तो ब्लॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं आजकल स्टार्ट कर देती थी सुबह उठ के, तो अब इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। आप लोग बोलो भाई ये लोग ब्लॉग डालें, शूट करें, डालें, क्योंकि इतना व्यस्त रहते हैं कोई शूट ही नहीं करता, इनिशिएटिव लेना पड़ता है। और कुंवर जीत का क्योंकि काम वगैरह का इस टाइम है, थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, तो उसको टाइम नहीं रहता है। और आज क्या है स्पेशल, बाकी जो स्पेशल था मैंने बता दिया है। अच्छा एक चीज़ मैं सोच रही थी, चलो बाद में बताऊँगी। भाभी ने भी कान्हा जी रखे हुए हैं, तो मम्मी को मैंने बोला मम्मी कान्हा जी, मम्मी ने ना ये सुंदर सुंदर ड्रेसेस सर्दियों की बना रखी है कान्हा जी के लिए, तो मेरे को बड़े सुंदर लगे। मैंने कहा मम्मी आप जब बनाओगे ना अभी, तो भाभी के कान्हा जी के लिए भी बना देना। तो मम्मी ने ये रखा हुआ था, मेरे को ये सुंदर भी लग रहा था, मम्मी कहती चलो एक लेते जाओ, तो मैं मना करी थी, फिर भी मम्मी ने कहा नहीं दे जाओ, अच्छा होता है कान्हा जी को देना। तो ये इतना सुंदर सा ड्रेस कान्हा जी को ले जा रही हूँ। और अभी तो मैं बनाऊँगी खाना पीना, उसके बाद नहा धो के फिर निकलेंगे। और ये है रिस्पॉन्सिबल लोग जो बनाएंगे। शरीफ से तो लग रहा हूँ। हाँ बहुत ज़्यादा शरीफ लग रहा है, जलेबी की तरह। कल था गुड्डू का बर्थडे, तो मम्मी जी गए थे उधर, प्रवीण दीदी भी आई थी, लेकिन प्रवीण दीदी के दोनों बच्चे घर पे हैं, उनके घर पे, तो छोटे छोटे हैं इसलिए वो आ नहीं पाई घर पे, और वो बर्थडे से होके सीधे घर चली गई। और क्या, बस अब मम्मी जी आ गए हैं, नहा धो रहे हैं, पूजा करेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर थेरेपी जाएंगे, नहीं तो आगे थेरेपी से आगे फिर नाश्ता करें। कल मम्मी की फ्रेंड गुस्सा हो गई, मम्मी थेरेपी पे लेके नहीं। वो बोल रही मम्मी, वो ना पहले बोले जा रही, शिकायत करे जा रही। अच्छा। वो ना शिकायत करे जा रही कि तुमने मेरे को बुलाया नहीं ये वो। तो मम्मी ने कहा कि तुमने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई 11 बजे, हम सब बोल रहे हैं आज चलो 11 बजे हमारा टाइम है, तो बोल रही है आज 11 बजे, बोले नहीं उसने, आख मैं भी चाल पड़ूंगी, तो किस लिए बुलाना था भाई, उसका टाइम नहीं होगा। तो मम्मी ने बुलाया नहीं और वो गुस्सा हो गई, हो जाएंगे गुस्सा। तो फिर उन्होंने ना, वो बोले जा रही थी, फिर मम्मी ने ना चिल्ला दिया, तुम भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे करते हो, दोस्त भी तो होने चाहिए। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। ब्लॉग की जिम्मेदारी कुछ दिन इनके हाथ में रहेगी। जैसे तो इन्होंने पूरी संभाल रखी है भाई साहब, कि सारा कार्य भार अपने कंधों पे ले रखा है। ये लोग तो वो भी नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हम लोग भाई, शुरुआत तब करते हैं जब हमारे पास पूरे दिन का कंटेंट होता है। हम ऐसे नहीं करते कि कुछ भी बना लो आगे का बने ही ना, फिर 2 दिन तक रुके रहो। जब हमारे पास पूरे दिन का एक बार में होता है ना, तब शुरू करते हैं। अंग्रेज की औलाद नहीं, ज्यादा नजदीक बताओ मुंह मोटा दिखता है, ज्यादा नजदीक बताओ मुंह मोटा दिखता है, थोड़ा पीछे रहो। करने दो, हमें यही तो चाहिए, करने दो, घर वालों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं हमारे दादाजी अंग्रेज नहीं थे, वो बहुत शरीफ आदमी थे, श्री श्री नाने को क्या बोलते, नाना के नाना को कुछ मत बोलना, मम्मी बहुत डिसेंट फैमिली से थी हमारी। आप लोग में लोगों के प्लान एक्सपोज करते रहते हो, वो सब ठीक है, इसने ये झूठ बोला है, इसके इसको तो पार्टी में जाना है, वो सब ठीक है। में थी मैं ना ऐसे स्क्रॉल कर रही थी वीडियोस,
तुम्हारी वीडियो आ गई। तो मैंने कहा तुम इसे जानती हो? कहती हाँ देखी है इसकी वीडियोस, पर ये ना सारी लाइनें ना अपनी नहीं होती है इसकी। हाँ। मैंने कहा हाँ अच्छा, मैंने कहा कैसी लगती हैं वीडियोस तुम्हें? तो कह रही नहीं वैसे तो ठीक रहती हैं, पर सारी लाइनें तो ये इसकी नहीं होती है, कहीं ना कहीं से उठाता भी है। हाँ ये कर लो पहले। वो भाई साहब एक सेकंड के लिए तो ऐसे हो गई, वो एक मिनट के लिए वो समझ ना पाए क्या बोले। हाँ ना, फिर मैं हंसने लग गई। मैंने कहा हाँ वो होता है, उठाता नहीं है, मतलब अच्छी लगती है तो अपने उसमें बोल देता है। फिर हंसने लगा वो बहुत तेज से, कह रही यार मुझे नहीं पता था वो तुम्हारा हस्बैंड है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो भाई साहब घर में चल रही है तैयारियाँ चल रही हैं वीडियो बनाने की, जो कि पिछले 7 से 8 दिन से हो रही है तैयारी की। वीडियो बनानी है, रील शूट कर लो। फाइनली आज हमारी भाभी जी को पता चल गया है कि रील शूट करनी है। हाँ, और आज हाँ आज भाभी जी को घर भी जाना है। भाभी जी घर जा रहे हैं आज। हाँ, 2-4 वीडियो बनाने के लिए पिछले 1 हफ्ते से प्रिपरेशन हो रही है। प्रिपरेशन हो गई आपकी? यू आर रेडी? गेटिंग रेडी है भाई। एक तो मैं और मेरा भाई बोल के थक गए हैं कि प्लीज़ मिर्च थोड़ी सी हाथ रोक लो, पर मम्मी और भाभी खाते हैं तेज मिर्च और किचन में यही रहते हैं। भाई लो अल्टरनेट ढूंढ लो अपने, हम मिर्च कम नहीं करेंगे, ठीक है? तुम्हें अल्टरनेट ढूंढना ढूंढ लो। सीख जाएगा क्या है? सीख जाएगा भाई, मिर्च खानी सीख लो। क्यों? हरी मिर्च अच्छी होती है। अरे नहीं खानी भाई। हरी मिर्च बहुत अच्छी होती है। हरी मिर्च खानी सीख लो, लाल मिर्च खानी सीख लो। 1 घंटे चल रही है। 1 घंटे से तू अभी आया, तुझे 5 मिनट हुए आया बड़े। मुझे 5 मिनट हुए, उससे पहले मुझे भाई का कॉल आ गया था कि तेरी भाभी तैयार हो रही है जल्दी आ जा। अच्छा। और मैं अपनी तरफ से अपना काम आराम से करके आया। नमस्ते जी, after a long time we are shooting reels for kya hai youtube no. shorts reels youtube pe kahan jayengi, matlab youtube shorts ke liye kar rahe hain kyunki hamare shorts kafi chal rahe hain bhai sahab, 1 million views aa rahe hain to ek video pe spelling batao 3.5 spelling batao agar bata di to pant utar de kahin pe bata nahi bata bata kya ho gaya मेरे साथ पंगे मत लिया कर, नंगा कर देगा अपन, समझा? मिलियन व्यूज आज से नहीं आ रहे हैं, जो मैं पहली बार मिलियन देख रहा हूँ। दीज बॉयज यूट्यूब पे भी आए, मेरे दूसरे चैनल पे भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं, आज काफी दिनों बाद। पहली बात तो खुशी का रीजन ये है कि सारिका जा रही है। ये सच में बहुत खुशी की बात है। सो मुझे दुख है कि आज के बाद इस घर में तड़का नहीं लगेगा। तो मुझे बहुत दुख है। सो अपने गम को जैसे तैसे घोट के पी रहा हूँ मैं। हाँ मतलब जो भी है, खुशी हमेशा की हो या कुछ दिन की होनी चाहिए। क्या बोलती पब्लिक? ठीक है, सो अभी तैयार होते हैं और फिर रील शूट करते हैं अच्छी अच्छी जाने से पहले। तो वी आर शूटिंग नई रील्स, आज घर जाना है मेरे को। मैंने कहा 2-4 शूट कर ही लेती हूँ, टाइम निकाला मैंने बिजी स्केड्यूल से और मैंने कहा चलो शूट कर ही लेते हैं। स्पेशली मैंने सारी वियर की चेक साइन कर दिए है। चेक आपके साइन हो गए। ओके, तो कैमरा मैन इज रेडी एंड हस्बैंड इज ऑल्सो रेडी। चलो आप भी रेडी हो जाओ, 1.5 घंटा हो गया। चलो तो दोस्तों मैं तो मिलूंगी ऑफिस में, बीच में मिलती रहूंगी कुछ दिन बाद। तब तक बने रहना है गोल्डन दीदी के साथ। गोल्डन दीदी के साथ इतने महीने के लिए तुम जा रही हो, अब इतने महीने दीदी हम कैसे काटेंगे? देखो भैया बहुत उदास हो जाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे। देखो तुम्हें नए साल के बाद आना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ भी हो नए साल के बाद तुम आ जाना, है ना? जरूर नए साल के बाद खुशी देख रहे हो चेहरे पे, खुशी देख रहे हो। दुख है मुझे। मम्मी का मैं वेट कर रही थी, मम्मी आप आएंगी। मम्मी आई है कुल 2:30 बजे के बाद। और मैंने पूछा मम्मी का क्या करेगी? कुछ नहीं कुछ नहीं के मतलब क्यों जा
जब अगली जाग जब जाग तन के मतलब भैया घर में बड़ों से बोल के जाते हैं तो बोल तो गया सुबह पांव नहीं छूके जाएंगे ले लो आशीर्वाद कहीं मेट्रो ना पलट जाए बिना आशीर्वाद तो चाव ऐसे है चाल है तो आज के देखा पीछे इतना बुड्ढा लग रहा है कपड़े कपड़े आ रहे हैं मम्मी ऐसी लोकेशन में बैठी हो